तो गाइस आप लोग का जानते हो फ्री फायर में जो लिमिटेड टाइम होने वाला है और वो भी दो दो घंटे में इरिटेट बहुत करेगा, और उसी के साथ आप लोग को जो लिमिटेड टाइम पे खेलना पड़ेगा और उसी के साथ आप लोग को OTP का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा 18 साल से अगर आप कम हो, अपनी मम्मी और पापा से करना पड़ेगा, और उसी के साथ आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि टॉपअप जो होता है लिमिटेड में करना पड़ेगा, और जो आप लोग को रिपोर्ट करते हैं वो भी लिमिटेड में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई गाली देता है, अगर आप किसी को गाली देते हो तो आप उसको रिपोर्ट वो आपको रिपोर्ट कर देता है तो आपका ID बैन हो सकता है। तो वीडियोस को फुल देखो, मैं फुल एक एक करके डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और अपनी अपनी स्टेट का नाम कमेंट कर दो, और मैं तो ओडिशा से वीडियो बना रहा हूँ और फटाफट कमेंट कर दो, और मैं वीडियोस में सब कुछ के बारे में फटाफट बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। तो भाई लोग आज थोड़ी सी अपन वीडियोस बना रहे हैं, क्या भाई फ्री फायर इंडिया आ रहा है, राइट, समझ रहे हो। और उसी के साथ मैं फास्ट आप लोगों को अपडेट बता देता हूँ, टॉप 15-20 का चेंजेस हुआ है भाई, मतलब सिस्टम हैंग होने वाला है, समझ रहे हो, बता दे रहा हूँ। फ्री फायर में आप लोग लिमिटेड टाइम खेल सकते हो, फास्ट है, ओके, 6 आवर खेल सकते हो लिमिटेड टाइम, और उसी में हर 2 घंटे के अंदर आपको एक पॉप आउट हो गया आएगा, बोलेगा कि फ्री फायर बोलेगा कि आप लोग रेस थोड़ी कर लो, 2 घंटा हो चुके हैं, और आप लोग उसको अगर जो होता है इग्नोर कर भी सकते हो, इग्नोर करोगे कुछ भी आपका ID को अफेक्ट नहीं होगा। और उसी के साथ आप लोग लॉबी में जो होता है अनलिमिटेड टाइम खड़ा हो सकते हो, पहले से 10 घंटा खड़ा हो सकते हो लॉबी में बस, ओके, बट इस बार क्या होगी अनलिमिटेड टाइम खड़ा हो सकते हो। और उसी के साथ आप लोग मैं अभी और एक बता दूं, OTP वेरिफिकेशन फॉर माइनर्स उसका क्या होता है मैं आप लोगों को वीडियोस में बताने वाला हूं। उससे पहले यार लाइक कर लो, ऐसे आप लोगों को टॉप 20 चेंजेस हर दिन वीडियोस आता रहेगा, और सब्सक्राइब भी कर लो। तो कहीं चलते हो OTP वेरिफिकेशन फॉर माइनर्स के लिए, उसमें क्या होगा कि इस 18 साल से जो बंदे कम हो गए उनके मम्मी पापा की नंबर वो वेरीफाई करेंगे, और उसी पे एक OTP आएगा, उसी OTP लेकर आप फ्री फायर नहीं तो फ्री फायर इंडिया पे लेकर आप लोग चिपका सकते हो, और चिपका के आपका ID खुल जाएगा। बट उसमें क्या होगा और एक फ़ायदा आपको कि आप जब मतलब 6 घंटे से ऊपर गेम प्ले कर दोगे तो वो आपको मैसेज करेगा और कॉल भी कर सकते हैं, मतलब कंपनी के नंबर से गारंटी पेपर लेकर आएगा और आपको कॉल कर देगा, नहीं तो मैसेज भी कर देगा। भाई उसमें क्या होगा कि अगर आप 6 घंटे से ऊपर खेलोगे तो 6 घंटा खेल ले और उसके बाद और भी खेल ले, ID ओपन करोगे तो आपको ID में मैसेज चला जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर पर भी मैसेज चला जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा और भी खेलने के लिए ट्राई करो तो भाई कॉल हो जाएगा। बस ऐसे नहीं कि 6 घंटे के अंदर खेलोगे तो आपका कॉल मैसेज जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेने का। तो गाइस बढ़ते हैं हमारी फोर्थ अपडेट के लिए, टॉपअप जो होता है टॉपअप लिमिटेड का था, 4000 ऐसे मारते चलते थे, बट अभी वो चीज़ नहीं होने वाला है। टॉपअप आप लोग लिमिट में कर सकते हो, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कितना, बताऊंगा तो 500 से 1000 के अंदर आप लोग टॉपअप कर सकते हो, लिमिटेड कर सकते हो, ऐसे नहीं कि भाई 4000 जो टॉपअप करते हैं ऐसे नहीं हो सकता है। और उसी के ऊपर आएगा रिपोर्ट टॉक्सिक बिहेवियर जो आया था, आप लोग रिपोर्ट करते हो बस जो बंदा हैकिंग लगाता है उसी को अगर रिपोर्ट करते हो तो वो होता था, बट अभी अलग कुछ सीन है। अगर आप लोग जो बंदा आपको गाली देगा, कुछ भी गाली देगा, अगर उसको आप लोग रिपोर्ट करोगे उसका क्या होगा कि ऑनर स्कोर माइनस हो जाएगा। अगर आप लोग उसको रिपोर्ट टॉक्सिक बिहेवियर जो वो वाला जो सिस्टम होता है ना उसी पे अगर आप क्लिक करते हो कि वहाँ पर लिखोगे और वहाँ पर वो जो जिस पे आप लोग जिसको भी आप लोग रिपोर्ट किए होगे उसी को रिकॉर्ड को कराने देखेगा क्या कुछ हुआ था, अगर कुछ गलत होगा उसको मतलब बैन कर देगा कुछ ही दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, नहीं तो 3-4 दिन के लिए, और अगर कुछ और कुछ गलत होगा तो उसको मतलब जो उसका ऑनर स्कोर बहुत माइनस कर देगा, मतलब 50-60 कर लेगा, वैसे कि वो खेल नहीं पाएगा 6 से 8 दिन के अंदर, वो खेल भी नहीं पाएगा, बस लोन खेल पाएगा, उसका तो दिमागी उफड़ जाएगा भाई भाई। और उसी से और एक अपडेट में बता देना, जब तक हमारा फ्री फायर इंडिया नहीं आता है 5 सितंबर के अंदर, जो भी आप लोग को यूट्यूब पर बताता है कि अगर आपके पास अभी पुराना वाला जो फ्री फायर है उसी का अपडेट कर लो, कोई ऐसे आपके आप के जहाँ पर और कोई वेबसाइट पर जाकर मत करना भाई, ID को आपको रिस हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई भी ऐसे यूट्यूबर नहीं बताएगा। तो क्या करो, फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और अभी जो पुराने वाले फ्री फायर को अपडेट मत करो, उसको डिलीट करके फ्री फायर मैक्स डाउनलोड कर लो, अगर आप लोग अपनी ID को सही सलामत देखना चाहते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, तो ना मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो में उससे भी और ज़्यादा मस्त मस्त वीडियो आने वाले, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो।